हीरा एग्रो इंडस्ट्री में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपका सबसे मनपसंद विषय लेके आया हूँ, रेनगन। क्योंकि ये बहुत सारे किसान भाइयों हमसे अलग अलग तरीके से सवाल पूछ रहे, तो हमको ये समझ में आया कि उनको काफ़ी ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट है, तो हम बोले कि एक छोटा सा वीडियो आज बनाते हैं और उस माध्यम से आपको इसके बारे में जानकारी देने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो, ये रेनगन पूरी तरह एल्यूमिनियम मटेरियल से बना है। ये ISI प्राप्त प्रोडक्ट है और ये रेनगन एल्यूमिनियम से बना हुआ होने से भविष्य में इसमें मेंटेनेंस बहुत कम रहेगा। ये रेनगन में हमने दो तरीके के फवारे रखे हुए हैं। एक फवारा दो, मतलब ये जो ऊपर वाला फवारा, ये लंबे दूरी पे पानी मारेगा और दूसरा ये काम करेगा कि इसको हम बोलते हैं फ्लैप, तो इसको ये इस तरीके से मूवमेंट देगा, तो इससे क्या होगा कि ये रेनगन को मूवमेंट मिलेगी इस तरीके से, ठीक है। और जो दूसरा फवारा है नीचे वाला, ये कम दूरी पे पानी देगा, तो इसकी वजह से सबसे ज्यादा फायदा ये होता है कि कहीं पे भी ड्राई पैच में सूखा एरिया नहीं रहता है। ये दोनों नोजल के सामने हमने एक विशिष्ट डिजाइन के स्क्रू दिए हुए हैं। ये स्क्रू के एडजस्टमेंट से आप ये तय कर सकते हैं कि आपको फवारा एक तरीके से चाहिए या एक ब्रॉड किस्म से चाहिए, तो ये सब चीजें ये स्क्रू पे तय करेगी। जैसे कि आपको अगर एक फवारे को एक सरक लेके जाना है, तो आप इसको नीचे करेंगे तो फवारे को कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं रहेगा, कोई भी अड़चन नहीं रहेगी, तो सीधा पानी की धार आगे जाएगी। अगर आपको चाहिए कि वही फवारे को एक बड़े एरिया में फैलाना है, तो आप इसको ऊपर लेके आएंगे तो ये जो पानी निकलेगा वो यहाँ से कट होगा, उसको काटा जाएगा, उसी वजह से क्या होगा कि उसका ब्रॉडनेस बढ़ जाएगा। ये उसी तरीके का काम है जैसे आपने अगर घर पे पानी का जो नल रहता है उसमें अगर उंगली लगाई तो जैसे पानी कट होता है वैसा ही इधर होगा। यही सुविधा नीचे के फवारे के भी दिया हो। अभी बहुत सारे किसानों का ये कुछ प्रश्न आता है कि इसको किस तरीके से ये काम करती है, मतलब पूरा राउंड में घूमेगी या आधे राउंड में घूमेगी, या हमारा जो खेती है वो चौकन है तो उसमें इसका कैसे इस्तेमाल करें। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि ये आप अगर घुमाना है तो पूरे राउंड में इसको घुमा सकते हैं। जैसे कि देखो, मैंने इसका नीचे का फिक्स किया हुआ और इसको देखिए, ये पूरा राउंड में 360 डिग्री अपन बोल सकते हैं कि पूरा गोलाकार में ये घूम रहा है, ठीक है। अभी अगर आपको चाहिए कि नहीं हमारा पूरा राउंड में नहीं घुमाना है, तो इधर के तरफ एक हमने एडजस्टमेंट दिया है। ये दो तरीके के एडजस्टमेंट है। अभी मैं इसको यहाँ पे टाइट कर रहा हूँ और देखिए, अभी ये टाइट करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये इतना घूमेगी और यहाँ से ये रिवर्स हो गए, अभी ये इसके आगे नहीं जाएगी, यहाँ से फिर से यहाँ तक आएगी, ठीक है। अभी आपको सिर्फ इसको सामने की तरफ घुमाना है, तो आप इसको भी, ये जो दूसरा एडजस्टमेंट है इसको भी आप थोड़ा सा इधर लेके आके यहाँ टाइट कीजिए, बहुत आसान है ये, कोई भी कर सकता है। देखिए हो गया, अभी देखिए कितना घूमेगी। मैंने इसको नीचे से पकड़ लिया आपको समझने के लिए, देखिए ये यहाँ तक आई और यहाँ से रिवर्स हो गई, ठीक है। अभी यहाँ से वापस जाएगी, यहाँ तक आएगी और यहाँ से रिवर्स हो जाएगी। तो इस तरीके का इसमें सब प्रावधान दिए हुए हैं। तो देखिए, अभी आप इसको और कम एंगल पे भी घुमा सकते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। देखिए मैंने इसको बहुत कम एंगल पे भी सेट कर दिया है, देखिए यहाँ से रिवर्स हुई और यहाँ तक आई, यहाँ से रिवर्स हुई, मतलब आप देख सकते हैं कि इतने एरिया में ये पानी मारेगी, ठीक है। आप इसका एंगल और कम कर सकते हैं सिर्फ ये दो स्क्रू एडजस्ट करके,